विस्तार हो जाएगा, फोर लेन तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, फोर लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने दरभंगा में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2,742.4 करोड़ रुपए के लागत से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल दरभंगा को पूर्ण विकसित करने की योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 सैया के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के निर्माण का फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 194.8 करोड़ रुपए की लागत से 400 शैया के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न योजनाओं का फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सर्जरी ब्लॉक में दीदी की रसोई का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके पश्चात सर्जरी ब्लॉक एवं प्रसव कक्ष का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया। अस्पताल परिसर के मुआयना के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा के मौसम में भी यहां जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित कराए, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाए ताकि पानी के निकासी में दिक्कत न हो। आज 2100 सैया के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का शिलान्यास कर दिया गया है। इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराएं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा तो उस समय पुनः हम यहां देखने आएंगे। निम्न निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर लोगों को इलाज में काफी सहूलियत होगी। जब हम सांसद थे और बाहर जब जाते थे तो हर जगह पर पीएमसीएच और डीएमसीएच के डॉक्टर मिल जाते थे। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स स्थापित करने के लिए शोभन काफी अच्छी जगह है जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहां आवागमन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी है जहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। शोभन में एम्स बनने से दरभंगा शहर का विस्तारीकरण भी होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। करने के लिए कर रहे हैं और 250 का भी हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और उसमें तो बाकी का 400 का तो ठीक है कर दिया ही लोग, अब बाकी यही सामने में हो जाएगा और काफी ऊंचाई से खूब अच्छा और बन जाएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों का ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पर का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, तो इसमें पढ़ने वालों की संख्या और न बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में, इसलिए राज्य सरकार की वजह से सुपर स्पेशलिस्टी रुका हुआ है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 3 साल से तैयार है सर। नहीं, वो ठीक है, वो चेक करा बन के तैयार है सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन के तैयार है सर, वो तो तैयार तैयार है, हो ही जाएगा, हो जाएगा, चलिए हो गया, हो गया, चलिए हो गया। आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम इसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा एक तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा, फोर लेन तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, फोर लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिए कितना बढ़िया, चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल उसमें इतना बढ़िया से नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी, और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से काम करके सब अभी उसको करके भेज दिया जाएगा, फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हाँ मान हो जाएगा तो तत्काल उसको शुरू करवा दें, लेकिन शुरू जो करेंगे उससे पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही ना देंगे जी सर, तब लोग बनाएंगे, तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना जी, हो गया हो गया हो गया। आप जान लीजिए पहले जो एक हमारा बन गया था वहाँ पटना में अटल जी के समय में, पटना में, पटना में, अब बाद में जब 15 में ही लोग बना रहे थे तो हमने कहा था पटना तो हो गया, तब उनको मालूम हुआ तो हुआ, तब बाद में देखिए पटना में पहला मेडिकल कॉलेज, आपका यहाँ वाला सबसे दूसरा मेडिकल कॉलेज, हम चाहते यहीं पर बने, हम लोग तो एग्री कर ही गए। एक बात बता देते हैं, जब हम एमपी थे बाहर घूमते थे ना, धक्का तो हम देखते थे कि इतना लोग मिलता था
और पटना मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इंजीनियरिंग किए हुए था ये मेडिकल वाला और यहाँ वाला, तो हमको बड़ा खुशी होती थी। गुज़िश्ता 13 वर्षों से बाजार समिति शिवधारा दरभंगा 846004 हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586